रविशंकर जी, जो आंकड़े बता रहे हैं वो ये तो दिखा रहे हैं कि हाँ एनडीए की सरकार यहाँ बन सकती है 133 से 143 सीट, लेकिन इसके साथ ही ये नीतीश कुमार की लोकप्रियता को गिरता हुआ भी दिखा रहे हैं, ये आपकी वोट परसेंटेज को भी गिरता हुआ दिखा रहे हैं। लग रहा है कि चुनाव आते आते कहीं तस्वीर और ना बदल जाए। देखिए, आपके सर्वे करने वाले ने स्वयं एक सावधानी प्रकट की है। क्या कहा उन्होंने कि ये 10 से 15 का सर्वे है और चुनाव प्रचार आगे बढ़ेगा तो ये बदलेगी। हमारा पूरा विश्वास है कि ये एनडीए के पक्ष में बदलेगी। मैं लगभग 8-9 दिन से स्वयं बिहार का प्रचार कर रहा हूँ, उत्तर, दक्षिण, पूरा पश्चिम। कल मैं था अररिया वगैरह क्षेत्र में, था नेपाल के बॉर्डर पर, था आज मैं अपने फतुहा क्षेत्र के गाँव में घूम रहा था विधानसभा के, कल मैं बख्तियारपुर में जाऊंगा। और आपको बता दूं कि मैं पिछड़े अति पिछड़े यादवों के भी गांव में गया और जिस तरह से लोगों का रिस्पांस है, लोगों की सोच है, उन्होंने देखिए और काम देखा है कितना बिहार बदला है। मैं एक सवाल पूछता था कि अररिया में, मैंने पूछा सिकटी में कि यहाँ से पटना जाने में कितना वक्त लगता है, कहा है 5 घंटे, कहा पहले कितना लगता था 10 घंटे। बिजली है कि नहीं तो बिजली है, सड़क है कि नहीं तो सड़क है। अब बिहार के 45,000 गांव में हम 1,000 करोड़ रुपए की योजना से 6 महीने में बिहार के सभी 45,000 गांव में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क लेकर के जा रहे हैं। हर जगह मोबाइल फोन पहुंचा है, स्मार्टफोन पहुंचे हैं। तो ये बिहार, मैंने एक जुमला कहा था, जुमला मत कहिए, एक मैंने उदाहरण दिया था, जो दिया था बरारी में, बरही, बरही कहाँ पर है, ये खजौली में है, नेपाल के बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर। और वहाँ पर पहले हम लोग का हेलीकॉप्टर उतरने की इजाज़त नहीं थी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और मैंने एक ही बात कहा, कितने लोग हो सोशल मीडिया पर, कितने लोग हो फेसबुक पर, कितने, लगभग 10,000 लोगों में से 7-8,000 ने हाथ उठाया। हमने कहा कि देखिए, एक तरफ जो लोग तेल पिलावन लाठी भजावन की बात करते थे, वही समाज आज किस तरफ जा रहा है। तो कृपया करके बिहार के बदलाव को समझिए। और ये अगर 15 साल के बाद भी आपके सर्वे में ये एनडीए को 133 से 143 दिखा रहा है तो ये आगे आकर के 163 से 180 प्लस होगा, ये हमें पूरा विश्वास है। क्योंकि एक बार देखिए, जो चीजें बदलती हैं वो फिर रुकती नहीं है, ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। और आपके सर्वे का हम पूरा सम्मान करते हैं, रविशंकर जी, हम लोग भी जमीन पर रहते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि बहुत ही प्रामाणिक निर्णायक विजय होगी। हाँ। जी आप बोलिए। ठीक है रविशंकर जी, अगला सवाल आपसे है। दो जो बड़ी बातें इस पूरे सर्वे में सामने आई हैं, उनमें से एक ये है कि तेजस्वी यादव लोकप्रियता में आगे बढ़ रहे हैं। लोकप्रियता में उनका आगे बढ़ना क्या संकेत देता है? नीतीश कुमार की लोकप्रियता में मामूली है लेकिन गिरावट है। दूसरी बड़ी बात, आप लोग कब तक लालू का वो गुंडा राज याद दिला दिला कर वोट मांगेंगे? तेजस्वी यादव क्या अपनी जमीन बनाने में कामयाब हो रहे हैं? वरना अगर सुशासन पर इतना भरोसा होता सर, तो नित्यानंद राय जो कि एमओएस होम है, वो डरा रहे कि आरजेडी जीत गई तो कश्मीर बन जाएगा। ऐसे बयानों की क्या जरूरत पड़ती है? रविशंकर जी, देखिए, हर पार्टी के नेता को अपनी जमीन बनाने का अधिकार है और आरजेडी के नए नेता वो जमीन बना रहे हैं तो बनाए, उनका पूरा अधिकार है। लेकिन सामान्यतः मैं व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करता। मुझे आप एक चीज जवाब दे दीजिए, आप मेरी आवाज सुन रही हैं? हेलो, मेरी आवाज सुन रही हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल पहुंच रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आ रही आवाज कि आरजेडी के दफ्तर के होर्डिंग पर, तो मेरी सिर्फ एक बात सुन लीजिए, आरजेडी के दफ्तर के होर्डिंग पर माता पिताजी की तस्वीर क्यों नहीं है, जिसके कारण वहां पर वो हैं? क्यों शर्म है उससे? यही बड़े सवाल है कि वो भी अपने विरासत से परेशान हैं, कई जगह दुखित हैं, कई जगह आशंकित हैं, क्योंकि जब बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। 2005 के पहले का बिहार आप लोगों ने देखा है, मैं ऐसा मानता हूं, हम लोगों ने भोगा है और बिहार के काफी लोगों ने भोगे हैं, तो उससे आप ये नहीं कह सकते। हाँ, हम विकास की बात कर रहे हैं। हमने बताया कि गंगा पर कितने पुल बने,
हमने बताया कि आज आप 5-5.5 घंटे में भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, सहरसा अगर 2005 से पहले की बिहार का जिक्र आप करते हैं तो उसके 15 उसके बाद वाले साल की भी जिक्र हम कर लेते हैं। यहाँ पर जब मुद्दों की बात हमने लोगों से पूछी तो लोगों ने कहा विकास पर वोट देना चाहते हैं, यानी विकास एक मुद्दा है यहाँ के लोगों के लिए, यानी उन्हें कहीं कमी महसूस होती है। दूसरी बड़ी चीज जो थी वो थी रोजगार, युवा कह रहे हैं बेरोजगारी पर वोट देंगे हम, जो हमें रोजगार देगा उसे वोट देंगे। तो अगर सुशासन ही था तो ये मुद्दे लोगों के मन में आए कहां से रविशंकर जी? देखिए ऐसा है श्वेता जी, आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं, ये तो मुद्दे उठेंगे। लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा एहसास होता है कि लोकतंत्र में लोगों को सवाल पूछने का अधिकार है और लोकतंत्र में लोगों को अपनी अपेक्षाओं का प्रकटीकरण करने का अधिकार है। लेकिन बिहार के नौजवान ये भी समझते हैं और बिहार के लोग ये भी समझते हैं कि किसमें वो कुवत है कि उनकी अपेक्षाओं को पूरा कर सके। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो 15 साल के हमारे काम का रिकॉर्ड रहा है तो शायद बिहार के लोग ये पूरा विश्वास करेंगे कि हमारी ये अपेक्षाएं चाहे रोजगार की हो या बाकी हो। आप मुझे ये बताइए आज बिहार में बीपीओ खुलते हैं या नहीं खुल रहे हैं? आज अगर लगभग 35,000 जो हमारे सीएससी हैं, लगभग 2.5 लाख बच्चे काम करते हैं जो पूरे ऑप्टिकल फाइबर लेकर के जा रहे हैं, बाकी डिजिटल सेवाएं देते हैं। आप मुझे ये बताइए नीतीश कुमार की ओर से 6 लाख का आंकड़ा दिया गया है पिछले 15 साल का, ये दिया गया है कि नहीं दिया गया है? आप मुझे ये बताइए कि आज उसी पटना में चाणक्य लॉ सेंटर खुला है कि नहीं खुला है?